हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सपेंडिचर मेथड, उसको करवाने जा रहा हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy during an accounting year. Since final expenditure comprises consumption plus investment, ठीक है, it is called consumption and investment method also, or income disposable method. Estimation of expenditure on the final goods produced during the year is equal to the market value of GDP called GDPMP. It is adjusted to the NNPFC और नेशनल इनकम, और उसको हम किस पे साथ एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके जो कैलकुलेट करते हैं उसको NNPFC बोलते हैं, जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चे फाइनल एक्सपेंडिचर का? फाइनल एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी डिनोट करते हैं। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको जी डिनोट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आए, और नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट, जिसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आता है अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड एनजीओ सर्विंग सोसाइटी। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स विच आर सेपरेटली यूज फॉर सेवरल ईयर्स लाइक फर्नीचर एंड वॉशिंग मशीन्स। ठीक है जी। और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय डिफेंस पर्सोनल। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स, दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? दोबारा प्रोडक्शन के काम आते हैं ऐसा एक्सपेंडिचर। ओके बच्चे, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके का हो सकता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, और इन्वेंट्री को स्टॉक, ठीक है, ये एक तरह का हमारा फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। नेचुरली स्टॉक भी तो एसेट ही है, ये आ गया करंट एसेट होता है। ठीक है जी, तो सबसे बड़े दो कॉम्पोनेंट होते हैं जहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं। सो नेट एक्सपोर्ट मेथड को, उसको हम एक्स माइनस एम, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, और उसमें से इंपोर्ट वाली वैल्यू माइनस कर दो तो नेट एक्सपोर्ट बच जाएगा। सो नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। ठीक है जी। व्हाइल एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड टू द टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक्सपेंडिचर इम्पोर्ट इज डिडक्टेड। द एडजस्टमेंट इज इसेंशियल फॉर ए प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चे, और सम टोटल जो एक्सपेंडिचर का ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको क्या बोलते हैं? GDPMP। उसको क्या बोलेंगे? GDPMP। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। GDPMP को आगे हम कन्वर्ट करते हैं NNPFC में इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? GDPMP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा NDPMP। ठीक है बच्चे, और दूसरा क्या है? GDPMP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके वो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा बेटे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू NNPFC। तो ये फाइनल फिगर हमारी आ जाएगी। तो गाइज, इन तीन फॉर्मूले पे एक तरह से देखा जाए तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड पे इसको फोकस करना है कि क्या चीज़ आपको कैलकुलेट करने को बोली जाती है, राइट हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो गाइज, प्रिकॉशंस के फॉर्म में हम पहले आ रहा, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर एंड डबल अकाउंटिंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। और उसके बाद तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर एज दीज आर मेयर
पेपर क्लेम्स एंड नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सच एक्सपेंडिचर डोंट कॉज एनी वैल्यू एडिशन. ओके, और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट डोंट कॉज एनी वैल्यू एडिशन इन द इकॉनमी, और उससे कोई वैल्यू एडिशन इकॉनमी में नहीं होता. ठीक है जी. और लास्ट में है इसका फिफ्थ पॉइंट, जो इम्प्यूटेड वैल्यू, जिसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इन टू अकाउंट एज बिकॉज एज दीज गुड्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जी डी पी. ऑल्सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट. राइट हो. तो गाइज ये थे मैथड, तीनों मेथड मैंने करवा दिए डिफरेंट वीडियोस में. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे. ओके जी, विशिंग यू गुड लक.